सिलवास लोकसभानी बैठकना सांसद मोहन डेलकरना अकड़े अवसान पछी खाली पड़ेल जगह माटे 30 ऑक्टोबरना रोज पेटा चूंटणी योजाशे। गईकाले उमेदवारी भरवाना छेल्ला दिवसे भाजपना शिवसेनाना अने कांग्रेस पक्षना उमेदवारोए नामांकन दाखल कर्या हता। भाजप तरफथी केन्द्रीय रेलमंत्री ने दादरा नगर हवेली बैठकना प्रभारी अश्विनी वैष्णवनी आगेवानीमां महेश गावीते नामांकन पत्र भर्यु हतुं। साथे ज प्रभारी अने गुजरातना धारासभ्य गणपत वसावा अने दीव दमण सांसद लालूभाई पटेल हाजर रह्या हता। बीजी बाजु सांसद मोहन डेलकरना धर्मपत्नी कलाबेन डेलकरे शिवसेना में जोड़ाई नामांकन भर्यु छे, ज्यारे कांग्रेस तरफ थी महेशभाई गोडीए उम्मीदवारी नोंधावी छे। आज अपना नॉमिनेशन भरा है लोकसभा चुनावों के लिए। हमें पूरा विश्वास है, जनता का जो विश्वास है मोदी जी के लिए, वो मोदी जी के लिए आशीर्वाद और वो विश्वास महेश भाई को जिताएगा। भारतीय जनता पार्टी ना तरफ थी नामांकन पत्र भर्यु छे अने मने पूरो विश्वास छे। અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રથી પણ જે રીતે આજે લોકો મારે આશીર્વાદ માટે આવ્યા, એનાથી મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે 30 તારીખ પછી જે પણ રિઝલ્ટ આવશે એની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિજય થશે અને વિજય જ નહીં માત્ર બહુમતીથી અમે જીતશું। હમણાં 30 ઓક્ટોબરે પેટા ચૂંટણી થવા જઈ રહી છે, એમાં મોહનભાઈ ડેલકરના ધર્મપત્ની કલાબેન ડેલકરે આજે શિવસેનાના પ્રતિક પરથી પોતાનું નામાંકન દર્જ કરાયું છે।